महाराष्ट्र में जब से शिंदे फडणवीस की सरकार बनी है तब से राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का साथ छोड़कर कई शिवसैनिक एकनाथ शिंदे के गुट में शामिल हो रहे हैं। उधर संघ प्रमुख मोहन भागवत अपने बयान को लेकर स्पष्टीकरण दिया। दरअसल भागवत ने मुंबई के एक कार्यक्रम में कहा था कि सत्य ही ईश्वर है, रूप कुछ भी रहे योग्यता एक है, ऊंच नीच नहीं, शास्त्रों के आधार पर कुछ पंडित जो बताते हैं वह झूठ। वहीं चंद्रपुर में अडानी व पीएम मोदी के विरोध में कांग्रेसियों ने LIC कार्यालय और स्टेट बैंक के सामने जमकर नारेबाजी की। वहीं मुंबई के बोरीवली पश्चिम स्थित MSB पुलिस स्टेशन की हद में 2022 और जनवरी 2023 में ईरानी गैंग के आरोपियों ने 3 चैन स्नेचिंग के आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तो वहीं मुंबई से सटे नवी मुंबई के खारघर इलाके के सेक्टर 4 में बिहार गेट के पास 2 अनजान लोगों ने एक महिला के गले से 2 तोले का चैन लूटकर फरार हो गए। महाराष्ट्र में जब से शिंदे फडणवीस की सरकार बनी है तब से राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का साथ छोड़कर कई शिवसैनिक शिंदे गुट में शामिल हो रहे हैं। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में ये कई शिवसैनिकों ने शिंदे गुट का दामन थाम लिया। नासिक के नेताओं का कहना है कि बाला साहब ठाकरे के हिंदू विचारों से प्रभावित होकर सबसे पहले नासिक में शिवसेना तक पहुंचने के लिए अथक प्रयास किया गया था। उधर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि उद्धव गुट में हर शिवसैनिक का दम घुट रहा है और वो उससे बाहर निकलना चाहता है। आमच्या मंत्र्यांच्या किंवा आमच्या आमदारांच्या कोटचा विचार त्यांनी करू नये। कोणाला कोट घालायचा, कधी घालायचा हे मुख्यमंत्री ठरवतील, त्याची सगळी दिशा ठरलेली आहे, योग्य वेळी ते जाहीर देखील करतील आणि निश्चितपणे महिला मंत्री पाहायला मिळेल। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने अपने बयान को लेकर स्पष्टीकरण दिया है। दरअसल मोहन भागवत ने मुंबई के एक कार्यक्रम में कहा था कि सत्य ही ईश्वर है, सत्य कहता है कि मैं सर्वभूत हूँ, रूप कुछ भी रहे योग्यता एक है, ऊंच नीच नहीं, शास्त्रों के आधार पर कुछ पंडित जो बताते हैं वह झूठ है। जात की श्रेष्ठता की कल्पना में ऊंच नीच में अटक कर हम गुमराह हो रहे हैं, भ्रम दुख को दूर करना है। बयान में कहे पंडित शब्द को लेकर कई लोग इसका जमकर विरोध किया। चंद्रपुर में कांग्रेसियों ने स्टेट बैंक और LIC के सामने जमकर अडानी और मोदी के खिलाफ नारेबाजी। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। कांग्रेसियों ने अडानी और पीएम मोदी का एक एक फोटो लेकर ये लिखा कि यह दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे को लेकर जमकर नारेबाजी की। हम दो हमारे दो, इस सरकार जब से 9 सालों से देश पर आई है, जब से सिर्फ अडानी जी के और अंबानी जी की को ही आज उद्योगपतियों को पैसा दिया जा रहा है। आज जो सर्वसामान्य लोगों का जो LIC में पैसा है वो शेयर के माध्यम से LIC ने 35,000 करोड़ रुपए आज शेयर मार्केट में डाली है और SBI बैंक ने 21,000 करोड़ के ऊपर लोन दिए और वो सर्वसामान्य जनता का पैसा है, वो कभी भी डूब सकता है। आज 10 दिनों में करीबन 10,00,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है शेयर मार्केट को, तो एक सामान्य लोगों का नुकसान है। तो हम मोदी जी से निवेदन करते कि उन्होंने इसकी जांच संयुक्त जांच समिति ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से करने को ना, ये हमारी मांग है। ये तो आने वाले दिनों में कांग्रेस से भी तीव्र आंदोलन करेंगे। मुंबई के बोरीवली पश्चिम स्थित MLB पुलिस स्टेशन की हद में दिसंबर 2022 और जनवरी 2023 में ईरानी गैंग के आरोपी ने 3 चैन स्नेचिंग की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। MSB पुलिस ने सातिर ईरानी गैंग के एक एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार करते वक्त बड़ी संख्या में ईरानी महिलाएं पत्थरबाजी करने लगी। 2 चैन स्नेचिंग और 2023 में 1 चैन स्नेचिंग, ऐसे 3 गुने अनडिटेक्ट है। और हमें एक हमारे इंफॉर्मेशन जो है उनसे एक खबर मिली थी कि वो तीनों जो चेंज स्नेचिंग का क्राइम है उसका जो मेन आरोपी है वो आरोपी अम्बोली कल्याण जो खड़क पात्रा है वहाँ रहता है। या MSB के तो 3 चेंज स्नेचिंग के गुने अभी डिटेक्ट हो चुके हैं। अभी हम पूरे जोन और जोन 11 और नॉर्थ रीजन के पूरे जितने भी चेंज नाचे गए वो सब की हम तहकीकात कर रहे हैं और इन्वेस्टिगेशन करके हम बता देंगे। मुंबई से सटे नवी मुंबई के खारघर इलाके के सेक्टर 4 में बिहार गेट के पास 2 अनजान लोगों ने एक महिला के गले से 2 तोले के चैन लेकर फरार हो गए, जिसकी कीमत 80,000 रुपए बताई जा रही है। हालांकि यह घटना CCTV में कैद हो गई। इस वारदात के बाद पीड़ित महिला थाने जाकर इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई है।